वैसे तो बिहार की राजनीतिक लगातार तेजी रहती है और सियासी उठापटक जारी रहती है, लेकिन आज सियासी हलचल काफ़ी तेज हो गई। राजद नेता और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री लालू के बड़े लाल जीतन राम मांझी से मिलने के लिए उनके आवास पहुंच गए। पिछले कुछ दिनों से जीतन राम मांझी जिस तरह से बयान दे रहे थे उससे तस्वीर कुछ धुंधली थी, लेकिन तेज प्रताप के मांझी से मुलाकात के बाद तस्वीर कुछ कुछ साफ होने लगी। हालांकि जीतन राम मांझी ने तेज प्रताप से मुलाकात को पूरी तरह से गैर राजनीतिक कहा और मांझी ने साफ किया कि मैं एनडीए में बना हुआ हूं और कोई मनमुटाव नहीं है। मांझी ने कहा, तेज प्रताप एक गैर राजनीतिक संगठन बना रहे हैं और तमाम जो बुजुर्ग नेता हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, उनमें उन्हें शामिल किया जाना है और इस बात ही उनसे बात हुई है। तेज प्रताप ने भी कहा कि मांझी हमारे अंकल हैं और बहुत दिन हुआ था इनसे मिले नहीं थे, यह केवल औपचारिक मुलाकात है, इसका कोई राजनीतिक अर्थ नहीं निकाला जाए। भले ही जीतन राम मांझी और तेज प्रताप ने बातों को साफ कर दिया हो, लेकिन जिस तरह से जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी लगातार बयान दे रहे हैं उससे बिहार की राजनीति में अगर अगले कुछ दिनों में कुछ शुभकामना ट्वीट से भी दिया था और अभी दूरभाष पर भी उनको हमने जन्मदिन की बधाइयां दी, स्वस्थ हों इसकी कामना किया। और जहां तक रही तेज प्रताप जी, तो तेज प्रताप जी से हम लोगों की बात कोई राजनीतिक बात नहीं हुई है, सिर्फ संगठन जुआ इस सब के बारे में हम लोग बात किया है। और हम समझते हैं कि इस तरह की राजनीतिक बातें छोड़ करके सामाजिक बातें होते रहना चाहिए, ऐसी परंपरा हो। और इसे इन्होंने एक प्रस्ताव भी दिया है, वो प्रस्ताव है कि कुछ वैसे जुआ लोग जो नॉन पॉलिटिकल हों और संस्था टाइप के हो, जिसमें कि राजनीति के, समाज के अन्य बातों का समाज ही उसमें ट्रेनिंग प्रशिक्षण हो, उसकी भी उन्होंने बात की है। और हमने इनको कहा है कि अगर वैसा आप उचित समझें तो बिना पॉलिटिक्स के कोई संस्था ऐसा बने, माने गैर राजनीतिक संस्था, और जिसमें सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को आप बुलावें और हमको भी बुलावें तो हम आवेंगे। हम लोग की यही बात हुई और कोई विशेष बात नहीं हुई। एनडीए में ही रहिएगा? अरे एनडीए में न रहने का कौन सवाल है भाई, एनडीए और महागठबंधन सब यहाँ की बात जो है, तो उसमें तो हाँ जहाँ हैं वहाँ हैं। नहीं, इसे कहने को तो बहुत लोग कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, भाईचारा में यहाँ पर वाइफ हस्बैंड भी पार्टी में अलग अलग होते हैं, भाई भाई भी अलग होते हैं, माता और बेटा भी अलग अलग होते हैं। तो वैसी परिस्थिति में तेज प्रताप अगर हमारे पास आए हैं, इसका कतई मतलब नहीं है कि कोई राजनीतिक मंशा। शुरुआत पहले से भी होते, इनके पिताजी भी, इनके भाई भी हमारे पास यहाँ आए थे, वो जिसमें इश्तहार दिया जा रहा था उस समय। एनडीए में धुकी बढ़ गई है सर, तेज प्रताप के मुलाकात के बाद एनडीए में धुकी बढ़ गई है। अब कहाँ धुकी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है ये आप लोग जानते हैं। अरे नहीं देखिए, नहीं देखिए, थोड़ा सा एक कोरोना है, रुक जाओ, उससे मत करना, रुक जाना, छोड़ दो, तेज प्रताप जी। नहीं देखिए, हम इधर से लगातार गुजर रहे थे और ये कोई नई बात नहीं है कि अंकल से हम पहले नहीं मिले हैं, लगातार हम मिलने का भी काम करते हैं और इनका मार्गदर्शन हम लेने का भी काम करते हैं, ऐसा बात नहीं है। तो अपना ऐसे ही जो पारिवारिक जो संबंध है अपना, उसी को हम आए, सोचे कि बहुत दिन हो गया कोरोना काल के बाद, जब इतना दिन के बाद लॉकडाउन खुला तब आकर के सोची कि एक बार मुलाकात कर लेते हैं बस, और कोई पॉलिटिकल ऐसी कोई चर्चा नहीं। गैर राजनीतिक संस्था बनाने के बाद जो मनीष साहब कर रहे हैं, क्या होगा गैर राजनीतिक? नहीं, इसमें जैसे है कि जितने भी यंग यूथ हैं, जितने लोग तमाम सामने आए और जितने भी पुराने पॉलिटिशियन है वो आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
अपना मार्गदर्शन देंगे तो आगे की पीढ़ी को हमें पता कैसे चलेगा कि आगे हम क्या स्टेप लेंगे, किस तरीके के फेस करेंगे हम। तो उस तरीके का एक हमने इनको बताया कि इस तरीके का एक हम लोग का वो होना चाहिए, सब लोग आए उसमें सम्मिलित हों। ठीक है।